तो कैसे हैं आप? हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। नहीं तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया हो, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर चुका हूँ टॉप 4 सीक्रेट ट्रिक्स लाइक अ हैकर। एंड उससे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज की वीडियो में मैं आपके लिए टोटल 4 टिप्स लेके आया हूँ, बट जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में रखा था कि 3 टिप्स होगी अच्छी जो आपकी काम की होगी और 1 टिप होगी मस्ती वाली, बट इस वीडियो में हमने ऐसा रखा है 2 टिप्स होगी आपकी काम की, 2 टिप्स होगी एकदम मस्ती वाली। तो चलिए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जिस किसी ने भी अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखना। मैंने चेक किया था, ओनली बहुत ही कम लोगों ने हमारा बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है, इसलिए प्लीज़ सभी अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देर के, बट उससे पहले इंट्रो की बारी। म्यूजिक चलिए गाइस, बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। चलिए हम बात करने वाले सबसे हमारी नंबर 1 टिप की, जो होने वाली है आपकी काम की, फालतू की नहीं है, काम की होने वाली, इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। इस टिप का आप क्लैश स्क्वाड में बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हैं, गारंटी बहुत ज्यादा काम आने वाली। क्लैश स्क्वाड नहीं, ओनली रैंक में भी जब आप अकेले फंस गए, आपके नीचे आप किसी घर में कैंप कर रहे हो और आपके घर के नीचे स्क्वाड है, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। देखिए एनिमीज काफी आ गए थे जो हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, एंड जोन भी आ गया था, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि इस जगह एनिमी जो हमारे अंकित भाई है, ये है हमारे एनिमी, एंड हम क्लैश स्क्वाड खेल रहे हैं, रैंक कुछ भी खेल रहे हैं, एंड मैं ऊपर हूँ एंड मेरे नीचे स्क्वाड है, एंड भाई ये बंदा नीचे बैठा हुआ है कि जैसे मैं ये नीचे कूदूँ या कैसे भी नीचे उतरूँ ये मुझे मार देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम लेंगे ग्रेनेड, टाइमर सेट करेंगे दीवार पे, इस जगह एम करके हम ग्रेनेड फेंकेंगे, देखो सीधा उसके पास जाके फूटेगा और भाई वो सोचेगा ये क्या चमत्कार हो गया। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से करके कहता हूँ करना क्या, इस जगह एम करना है, चाहे आप टाइमर सेट करेंगे तो जल्दी से मर जाएगा बंदा, उसको एक आइडिया हो जाएगा, टाइमर सेट कर तुरंत आपको फेंकना, भाई वो बंदा हिल भी नहीं पाएगा ना, सोच पाएगा कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, मतलब एकदम हैकर वाली फीलिंग आती है ना, वो वाला सीन हो जाएगा उसके साथ। तो आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। एंड चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के ऊपर, जो काम की नहीं मस्ती वाली होने वाली, तो स्किप मत करना, मस्ती वाली बहुत अजीब टाइप की मस्ती वाली, आप देख के खुश हो जाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रिक है क्या, आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसमें एक स्नाइपर की जरूरत पड़ेगी। हम चलिए ले लेते हैं कान 98, एंड हमको कान 98 लेके, देखो वैसे तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में गया था बट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था और गेम पे मैं जा नहीं पा रहा था क्योंकि बंदे हमको मार रहे थे और कान 98 मिल नहीं रही थी, तो सबसे बेस्ट मैं यहाँ पर आ गया सोशल जोन के बगल में। तो चलिए आपको कुछ नहीं करना, कान 98 की पहले सारी गोलियाँ मार लेनी है, फिर उसको जब रिलोड आता है तो उसको रिलोड पर क्लिक करना साथ में, एंड साथ में आपको करना रोप वे पे क्लिक। लॉल सॉरी यार, देखो ये मेरे साथ सीन हो गया भाई, तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इसे बोलते हैं ग्रैंड पा का पोपट होना। तो चलिए हम फिर से गन को फटाक से खाली कर लेते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको करना क्या। देखो सारी गन की हमें खत्म, आपको साथ में रिलोड और उस पर क्लिक करना, ये देखिए कैसा लगा हमारा ट्रिक आपको ये बताना, मतलब एकदम फीलिंग आती है ना हवा में भाई, रिलोड कर रहा हूँ रिलोड हो भी जाती है गाइस, तो इसको आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो जब आप रैंक पुश कर रहे हो और आपको पास तुरंत से एनिमी आ गया पीछे से और आपकी गन रिलोड पे, तो आपको तुरंत ये चीज़ यूज कर सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक मिनट, मैंने बोला काम आने वाली है बट मैंने तो शुरुआत में बोला था कि ये तो मस्ती वाली, चलिए कोई ना कुछ भी हुआ तो हमारे फायदे की चीज़, इसको आप काम की इसमें यूज़ ले लेना। चलिए आपको भी ये टिप कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड अब बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 की तरफ, वो भी होने वाली है आपकी काफ़ी ज़्यादा काम की गाइस। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रिक है क्या। तो हमारी जो ट्रिक है वो ये गाइस, सपोज आप लोगों में से कुछ लोग रैंक पुशिंग के लिए चिमनी पे उतर जाते हैं, चलो काफ़ी अच्छी बात है, आप कहीं भी ऐसी ऊंची जगह पे उतर जाते हैं, बट जब आप वहाँ से कूदते हो तो आपका एचपी एकदम कम हो जाता है, जैसे कि ये देखो मेरा हुआ है, ये देखो सिर्फ 10 एचपी बचता है और इतने में आपको कोई भी एनिमी एक गोली से मार सकता है, ये मुक्के से भी मार सकता है, आपके पास लूटने का वक्त नहीं होता। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इससे बचने के लिए कि आपका एचपी एक भी कम नहीं होगा। हाँ गाइस, एक भी एचपी कम नहीं होने वाला, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, बट उसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि मैं आपको आराम से बताता हूँ, सुनो एकदम कान में, आपके दोस्त की बैंड बज जाएगी आपकी नहीं बजेगी, पूछो कैसे। तो चलिए मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। और ये देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था ऊपर से कूदते एक बंदे ने मुझे सिर्फ एक गोली मारी और हम यहाँ नॉक हो गए, हम यहाँ पर खत्म हो गए। तो चलिए ये तो हम ठीक है यहाँ पर खत्म हो गए, अब हम चलते हैं हमारी बीमा शक्ति चिमनी पे, देखो आपके लिए वापस दूसरी गेम पे घुस गया मैं वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे फटाक से स्विच हो जाए। तो चलिए गाइस हम आ चुके हैं हमारी बीमा शक्ति चिमनी पे, अब आपको करना क्या, आपके दोस्त को बोलना है तू बैठ जाए और आपके दोस्त के ऊपर आपको बैठ जाना है, एंड जैसे ब्लू सर्कल जैसे आ जाएगा आप समझ जाना कि आपका काम होना स्टार्ट हो गया, एंड अब आप बिना कुछ नहीं हनुमान जी का नाम लेके कूद जाओ मेरी तरह जैसे मैं कूदा। देखो एक भी एचपी कम नहीं हुआ गाइस, एक भी एचपी, अब बोलो ये आती है हैकर वाली फीलिंग। अब मैंने बोला भाई तू भी कूद जा, देख मेरा तो एचपी कम नहीं हुआ, और वो भाई मेरे पे भरोसा करके हमारे अंकित भाई भी कूद गए, लेकिन ये देखो उनके साथ हो गया सीन, भाई हमारे चाचा को बचा सिर्फ 10 एचपी, क्यों
क्योंकि देखो गाइस मैं तो देखो उनके ऊपर चढ़ के कूदा था, क्योंकि गरेना ने ऑप्शन देखा हम किसी प्लेयर के ऊपर चढ़ के डबल जंप कर सकते, बट उनके पास तो कोई बंदा ही नहीं था ना, वो तो अकेले थे इसलिए उनके साथ हो गया सीन। तो चलिए ये टिप आपको कैसी लगी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो यार, दिल से बुरा लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी लास्ट ट्रिक जो हमारी इस वीडियो की है, ट्रिक नंबर 4, एंड ये है एकदम मस्ती वाली ट्रिक, आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में, मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। आपको ले लेना है इनेलर एंड आपको ले लेना है कोई सी भी गन, एंड अब आपको क्या करना है कि आप आ जाओ कोने में, आपको सबसे पहले मारना है एक इनेलर, एंड इनेलर मारने के बाद तुरंत आपको कर देना है एक इमोट, एंड इमोट करते करते आपको करना है फायर, एंड ये देखिए हमारी गन हो गई एकदम गायब। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जो भी हमारे चैनल पर अब तक नया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज बेल नोटिफिकेशन मतलब हमारे घंटे से तक ऑन करना बिल्कुल मत बोलना, मैं आपको इतनी बार बोल चुका हूँ वीडियो में। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सभी अपना ध्यान रखना, टाटा बाय एंड टेक केयर, एंड हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत बोलना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। तो चलिए बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।